शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंगा ने सब छोड़े आगे तो से लंबा मैरिज कर रहे हो जी हाँ। वासु जी को कार्ड देने जा रहा था, आप लोग भी आइएगा। आओ जरूर आवांगे, जरूर आवांगे। अच्छा सत श्री अकाल पुत्र। जी चाहता है गला घोट दूं इसका। दुनिया को अच्छाई बुराई की शिक्षा देता हूँ मैं, और मेरे ही अपने घर में लोग थूकेंगे हम पर, थूकेंगे जानकी थूकेंगे। इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जीऊंगा मैं? अरे ये सब होने से पहले इसकी जान भी ले लेता था। हटाओ हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हटाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। वासी जी क्या हुआ? अब होने को क्या बचा है गोविंद? सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत शर्म सब कुछ। वासी जी बेटे एक काम करो, कहीं से जहर ला के दे दो मुझे। ऐसा क्या हुआ मासी जी? आप आज्ञा दीजिए ना, मैं कुछ करता हूँ, मैं हूँ ना। मेरी बेटी पुष्पा से शादी करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे दो गोविंद, अपना नाम दे दो। मासी जी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा लो, मेरे घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। ये तो अच्छा है कि लक्ष्मण यहाँ नहीं है, नहीं तो मार ही डालता इसे। आप आराम कीजिए मासी जी, आराम कीजिए। मासी जी मैडम आप जल्दी आ गई। मुझे किसी को सरप्राइज देना, आप चलिए मैं आती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। मिस्टर गोविंद नारंग, लुक्स लाइक आई हैव टू अरेस्ट यू टुडे, आई एम कमिंग फॉर यू। कैसी हो? ये गोविंद, वो सुधा दीदी, ये है पुष्पा भाभी, गोविंद भैया की इनसे शादी हुई है। और भाभी ये है सुधा दीदी, गोविंद भैया की दोस्त। कैसी हो सुधा? सुधा मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ आने का और तुमसे कुछ कहने का हक नहीं बनता मेरा, लेकिन बोलते रहो, सुन रही हूँ। देखो मेरा साला यहाँ आया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो, जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है गोविंद। देखो मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, एक पल में इतना पराया क्यों बना दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखो मैं दया से समझाने आया था, आगे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया गोविंद नारंग, थैंक यू। देखिए ना वीर जी, इनको पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी वो घर पर नहीं है। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं होती, शादीशुदा होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूं। बस कर पुष्पा, बस कर, मेरा खून खौलता है सब सुनकर। मैं यहां 2 महीना नहीं था, उसने अपने प्यार के जाल में फंसकर
तुझे शादी से पहले पेट से कर दिया, इसी सदमे की वजह से बाबूजी की मौत हो गई। लानत ऐसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर। अगर मैं यहाँ पे होता तो उस हरामजादे को यही काट डालता। अरे क्या नहीं किया बाबूजी ने उसके लिए, पढ़ाया लिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, और उसने छह शर्म आती उस हरामजादे को अपना दोस्त कहते हुए। कैसा है लक्ष्मण? खाना खाया तूने? खाने की बात छोड़, तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। उसे उसका हक देना, वरना तू मेरा गुस्सा जानता है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, भूल गया क्या बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर? पुष्पा तेरी पत्नी है, तेरे होने वाले बच्चे की माँ, छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूँ मैं। सहन करने के लिए मैं हूँ ना वीर जी, पत्नी मैं हूँ, और हक हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसका। बस भी कीजिए ना आप लोग, मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूँ मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे, बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले की अकड़ तो देख। भैया जाने दो वीर जी, जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए एकी, तो सारी जनानियां इत्थों कित्थों आ रही हैं? ऐसी हो रही है। ओए भाई साहब, ओए रुको, ए थानेदार जी से मिलना है, रुको चला रुको। अरे ए कमाले यार, रुको भाई। ओए ए थानेदार जी, बाहर आ। ए बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडी जी आपको बुला। चल आज बोलेगा ना इसको, बजाओ और जोर से बजाओ। ए आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ए जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा, ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सुन गया क्या? क्यों बहनो, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ, यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस बहुत हो गया, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी बिनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए, मूव इट। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये मत समझना मैं तेरे से डर गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम सर की बस आ गई। जनाब चलो पापे। ये साले बस वाले भी पी के चलाते हैं तेरी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था, क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोविन नारंग को जानती हो? हाँ क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ वो जो गोविंद की बीवी है ना पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली, बोली शादी कर ले।
मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा। बड्डा भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसा कर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर। हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था, उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता, आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी। या ना, नहीं मैं अभी आता हूं। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूं। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत, चला खाना खाते। नहीं बीजी, पति के हाथ से खाना खाते है ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी, चला खाना खाते। नहीं बीजी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से, आज मैं अपने हाथ से ले लूंगा। मेरी बहना बहुत भूखी है, ये ले। याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था, तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए, थोड़ा अपने लिए थोड़ा उसके लिए, ये ले खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा, ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मारेगा तुझे। ए बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले खाना खा, उसके लिए खा ले। पुष्पा, पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया जी, डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पर जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है, दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू, तेरे पेट में उस कमीने पुलिस वाले का पाप पल रहा था, तेरे यार ने सर झुकल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला, और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तेरी इस हरकत की वजह सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई,
तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता स्वान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा, तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए, तेरे साथ देवी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। नहीं, जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानती है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, इसी में सबकी भलाई है। भाभी, क्या हुआ? Hey! वो ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे तड़प तड़प के मरेगी तू, कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ लक्ष्मण, हट जाओ, हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। ये तूने क्या किया लक्ष्मण, ये तूने क्या किया? तू इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने मां बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर। लाओ चाबियां दे दो, ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दाना करके अपना गांव और मिट्टी छटके जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ मेरी बहना। जीती रह पुत्र, वाहेगुरु खुश है। चलो प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी की सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया, हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामशरण जी, रामशरण जी। अरे कौन? ये क्या है, लोग मुझे चोर कह रहे हैं, क्या मैं चोर हूँ? मैं जानता हूँ बेटा कि तुम नेक इंसान हो, लेकिन ठेले वालों की जमीन और पैसा दोनों ही चले गए ना, वो रघुनाथ रेड्डी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन आप तो जानते हैं उसे, आप ही ने तो मिलवाया था मुझसे, आपको तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। बहुत जगह ढूंढा बेटा लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ, एक जगह है, शायद वो वहां मिले, वो अक्सर यहाँ आता है, बल्कि ये जगह भी रघुनाथ रेड्डी की है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है बेटा, बन रही है। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, और रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और रेड्डी साहब, बोलिए रामचरण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बहा, आप पूछिए क्या हुआ? या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? Thank you.
रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए, भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है भाई? मैं तो समाज सेवक हूँ भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है, क्यों ना? नहीं अप्पा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। कॉलोनी वालों, बाहर निकलो, इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया। अभी इसका क्या हालत किया हम लोग, देखो, इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ, नीचे आओ सालो। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का, चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग, दिखा। अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ दोनों आंखें खोल के रखने का, तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ? वो देख, देखो। इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है, साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया, हाँ? उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया, आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन देखता है, चला उसे जबरदस्ती कभी नहीं। हाँ, तू नहीं कहा था ना, देख जबरदस्ती अभी। कोई तो बचाओ मेरी बहन को, कोई तो मेरी बहन को बचाओ, मेरी बहन को बचाओ, कोई नहीं बचाएगा, मेरी बहन को बचाओ बाबा, डैडी बच्ची है डैडी, छोड़ दे डैडी, नहीं छोड़े डैडी, डैडी मेरी बहन को बचाओ, वही तो भगवान के लिए कुछ करो, ए बचाओ, ए मेरी बच्ची को बचाओ, हे माँ, हे माँ बचाना माँ, पुलिस को फोन करो ना, ये कुत्तों को लो ना, हे भगवान के लिए कोई तो बचाओ, ए भाई साहब बचाओ ना भाई साहब, ए मेरी बच्ची को बचाओ, ए भाई साहब बचाओ ना भाई साहब, ए कोई तो बचाओ, कुत्ते को मदद करो, ए मेरी बच्ची को बचाओ, ए बच्ची है, बच्ची है, ए भगवान के लिए कोई तो बचाओ, ए डरे बच्ची को छोड़ दे, मेरी बच्ची को, बच्ची है वो।
सारा विस्की पिएगा, सेलिब्रेट करेगा। ए डरियो मत तकाता। रत्ता, ए, 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 रत्ता, ए रत्ता, ए कोई तो भगवान के लिए कुछ करो, ए कोई कपड़ा तो डालो, ए कपड़ा तो डालो रे, ए रत्ता आराम, रत्ता, ए कोई कपड़ा तो डालो, रत्ता आराम, रत्ता ए भाई साहब, मैं भी रत्ना से मिल के आ रही। शी इज बेटर नाउ, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। गोविंद, इस पर साइन कर दो। क्या है ये? जिन लोगों ने तुम्हारे और रत्ना के साथ ये सब कुछ किया, उन सब के अगेंस्ट इस फाइल में स्टेटमेंट्स हैं। तुम सिर्फ साइन कर दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोविंद, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी।
मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो गोविंद, तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। जबरदस्ती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। और क्या बयान देता, इतना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद ही हो जाएगी। ओ गार्दा ने हमारा साथ गुड़बा किया, दुश्मनी किया, क्या हुआ? साला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना दिया। भाई गरीबों का मसीहा। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। अरे फिर आया है, अब आया है तो क्या है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। बोलो बोलो। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स। मिर्जा साहब, हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? देखो नहीं, कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब, मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं। टनाटन 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 टनाटन। आओ भाई आओ, इसमें लड़कियों के खत कितने हैं? अरे भाई, इतने सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। अयो, ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इलीगल जमीन पर तो नहीं है? ओ नो। अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं? अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ सबके वास्ते है, ये लो अपना अपना नोटिस। बिल्ले अब्दुल रहमान, क्या रे, क्या चाहिए? बख्शीश चाहिए? नहीं साहब, लीगल नोटिस है। ये बख्शीश मेरे को किसने भेजा? साइन कीजिए। क्यों बच्चा, मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर, ये तो लीगल नोटिस है। ओ गॉड, लव लेटर्स? नहीं सर, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? लीगल नोटिस? अरे मेरी छिंची पोटली वाली बीगम ने। हेलो एवरीबॉडी, कहीं उसने तलाक ना किया नोटिस तो नहीं मिले ना? सब लोग डाउन क्यों है जा रहे? अरे आप लोग फिकर मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। हम उसको छोड़ेगा नहीं, देख लेगा उसको। अरे भाई, किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, धोखे बाज एक नंबर का। मगर कौन? अरे गोविंद का बच्चा। गोविंद? शाला, हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है। हाँ? और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है? जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनेगार बने? हमारा क्या लेना देना उसमें? हाँ यार, ये तो बातों ही है। हाँ? बाबा जी, उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे। उस नालायक ने मैं रेप किया बोल के नोटिस भेज दिया। मैं रेप कर सकता हूँ क्या बाबा? सुको, यू चीट, यू ढोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, हजार बहाने करते हो, और तुम बाहर जाकर ये कारनामा कर क्या है? आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सुको? आप में कोई कमी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, न घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आए? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने? अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को आया, साथ साथ मेरे को भी आया। मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को भी?
देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकी को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सुधापुन भर रहे, सारा किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुलिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? ए गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली? तू नहीं छूटेगा। अरे भाई, मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा। हम डरता है कि गोविंद तू सबको इतना गौतल नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है। बोल नहीं बराबर छे, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कौम ही गया। हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? हा? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू, आई एम सॉरी। ओ गोविंद भाई, और सौ बात की एक बात यार, कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। हम पैसे दे देंगे, क्या हमें रेप किया है? नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे पैसे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुलजिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कड़गड़ा बन गया है, और जितने मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, Mr. हरीश पाटिल? Yes, Your Honor. और इन सबके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया Your Honor, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलॉर्ड, और हम क्या पढ़े पला दिखता है, और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर, सर हम बहुत शरीफ आदमी सर, अभी हमारा बीवी हमारा एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर, देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सब ने देखा, मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था, क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ, अगर हजार लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। ओ सारन साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है।
असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे अटना चाहते हैं। जज साहब न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे। इसने दलाल है, ये अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना, पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंदार को नहीं। भैया, भैया मैं एक गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खा कर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया, क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने जमीन की आवाज से जो एक लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई, लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके जमीन से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता क्यों, क्यों? कहानी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग एक इंच भी आगे नहीं आए, और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों, क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था यह सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां अगर इसने अपना सब कुछ खो दिया, एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा, क्यों, क्यों, क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों, क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी, और वो गुंडे भट्टी पर, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरता मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए, आप लोगों का सोचने का यह तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है, तो क्या कभी आंख, कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब, अब बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया,
यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, मगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते और हम कुछ नहीं करते। भैया भैया मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं नहीं। मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा। उसे झट से उखाड़ना होगा और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़, और वो गुंडे मुट्ठी भर। गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है, लेकिन याद रखिए हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी। तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार और फिर देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा। इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं। समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया, लेकिन आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे इस आम आदमी को एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद बेटा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम गोविंद सब तुम्हारे साथ हैं, गोविंद मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, 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 हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम गवाही देंगे, बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे, ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, रामशरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूँ। मुझे फख्र है आप, तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है, और अगर ये डर निकल गया ना तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। भेड़ा, जी साहब, तू जा। ए, करीम भाई जिंदा है अभी और उसकी तलवार की धार भी, देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। ए, कॉलनी वालों, हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोल कर सुनने का। अरे तुम लोगों को चर्बी आई ले, हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना तो सबकी चर्बी किलो के भाव का। चल पीछे हट। आवाज आवाज दी है। ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो
जैसे रहते थे वैसे ही रहो, ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़कर तेरा मैंगो जूस निकालेगा? भाईजान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का? ए दादा, अभी तुम्हारा आवाज सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा आवाज सुनो। अपना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के नंगा और गंजा किया था? तुम शाला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझेगी? ए साला करीम तूफानी को धमकी देता है, सिल्लाले सलामजादे को सबके सामने सिल्लाले। ए करीम भाई, अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाई चारे का टाइम चालू हो गया, क्यों गुल्लू? हाँ देशपांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात किया, लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द, I hate नामर्द। कदन साले को। आओ 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 आओ, अरे उठ देख ले, तेरे मामा लोग खड़े हैं। हाँ बहुत बड़ा राड़ा हो गया साहिबा, वो कॉलोनी वालों को अपुन समझाने के लिए गया था, वो लोग अपुन को समझे। ये वो लोग को हम समझा देगा, वो करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान बहुत समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया। देख देख, ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह भागकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी, चट्टानों से टकरा के आंधी वापस आ जाएगी। हम मिलके साथ चलेंगे तो सैलाब नया एक लाएंगे, इस आसमां को झुकाएंगे। चला मेरे सारे के चौंड निकले, आ जा। जाओ रोको ने रोको, जॉनी भाई, जॉनी भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं, हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा। ए, आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना? मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा। तुम्हें अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो 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 चलो, अरे आ जाओ आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अन्ना सही बोल रहा है जॉनी, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ। जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात? हेलो हैंसन, ड्रॉप योर गन। भेजा लौटू तेरा, बोल।
आजाद नगर के निवासियों की गवाही और पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत जहां रामशरण शुक्ला और उनके बाकी साथियों को 7 साल की कैद का हुक्म सुनाती है, वहीं जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, सदानंद कुट्टी और करीम खान तूफानी को ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है और ये हुक्म भी देती है कि उनकी तमाम जायदाद को बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। गोविंद, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना बेटे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। हाँ गोविंद, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम सब में इतनी ताकत और इतना विश्वास है। यस, तुम्हारे जैसे मर्द की सख्त जरूरत है सोसाइटी को और खासकर मुझे। गुल्ली, हम अलग अलग कितने कमजोर थे, तुमने हमें एकता सिखा दी। मैंने पिताजी से सीखा था कि अगर फसल को बचाना है तो कीड़ों को मारना ही पड़ेगा। यही बात आज आप लोग ने सीखी और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। चलता हूँ, नमस्ते। कितना अच्छा आदमी है ना। अरे बस करो गुल्ली यार। ए रजनी देवा। अन्ना। ओए गोविंद पुत्र, तू यहाँ सामान का लगेज बांध के भाग रहा है, वहां तेरा समन आया हुआ है यार। ओ जी, ये रहा समन। हरीश, तुम चाचा जी ये समन में समझा नहीं। ओ भाई, हरीश पुत्र जो है अपनी रत्ना से शादी करना चाहता है यार। जी, अगर आप इजाजत दें और रत्ना को मंजूर हो तो। हरीश, हरीश, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी भी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अरे बेटी, तेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि गोविंद शादी के लिए हाँ कर दे। ओए नाना पाटेकर, अपनी बेटी को समझा। बेटी समझा कर। हाँ या ना डैड, जब तक गोविंद शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, मैं ना खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना किसी से बात करूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊंगी, समझे आप? अरे मैं देखता हूँ। कितिका, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर वो सामने आ जाए तो क्या हाँ कहोगे?
बोलो गोविंद, हाँ कहोगे? यही तो मेरी ख्वाहिश थी। Presenting the couple of the new millennium, Govind and Sudha Narang. मतलब तू गोविंद और सुधा को मतलब अपना कुछ सोचा ही कमाल है यार। मानते हो ना डैड, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपकी बेटी ला सकती है। भाई तू ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाती रहेगी तो हम तो जिंदगी भर ट्विस्ट करते रहेंगे। तेरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कोई है कि नहीं यार? वरी नॉट डैड, आपकी बेटी की कहानी में ट्विस्ट लाने वाला इस वक्त अपनी स्पोर्ट्स कार रोककर किसी दुकान से मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा। ओ जरूर खरीद रहा होगा पुत्र, जरूर खरीद रहा होगा, तू करोड़ों में एक है। ओए है कोई आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स कार से उतरकर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा? कोई है कि नहीं?